करण हैं, इन्होंने अपने हाथों से पहले इस फ़ोन को हार्डवेयर से ओके किया और आज इसको FRP इसकी ओके की, क्योंकि इसमें पहले लॉक लगा होगा, जब इन्होंने हार्डवेयर से ओके किया तो इन्होंने इसको हार्ड रिसेट कर चुके थे। ये अब ये देखिए, ये हमारा फ़ोन हो गया है ऑन। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद शबरेज। आज आप सॉफ्टवेयर क्लास में हैं, तो सॉफ्टवेयर क्लास में क्या है कि आज हमारे जो स्टूडेंट है करण, ये काफ़ी दिन से अपना एक सेट बता रहे थे कि सर मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है जिसको मैंने हार्डवेयर से ओके किया है। ठीक है, हार्डवेयर से इन्होंने सेट को ओके किया है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है, इन्होंने ओके करने के बाद देखा होगा, रिसेट किया इसको, सेट को रिसेट करने के बाद हमारे जो सेट लेकर आए हैं तो इसमें FRP की प्रॉब्लम थी। तो FRP की प्रॉब्लम को मैंने इसलिए रोक दिया था कि मैंने ये सेट मैं आपसे ही कराऊंगा जब आपका टॉपिक चलेगा, और हम इसी तरह से जो भी स्टूडेंट लेकर आते हैं हम लाइव कराते हैं। तो आज हमने इनको इसके क्लास कराई थी, यानी कल हमने क्लास कराई थी, तो उनको कल याद आया कि सर मेरे पास जो सेट है मैं वो अपना सेट लेकर आ जाऊँ, तो हमने कहा कि आप बिल्कुल लेकर आइए। तो आज ही अपने सेट पर लाइव FRP को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट खुद ही अपने हाथों से अपना आप ही रिमूव करेंगे कि किस तरह से इनको क्लास कराई गई है। आपको क्लास में समझ में आता है या नहीं आता है वो चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। तो आज ये हमारे स्टूडेंट करण हैं, ये UP से आए हुए हैं, तो इनका सेट है, ये अपने सेट को अपना आप FRP अनलॉक करेंगे। अब किस तरह से करते हैं ये देखिए आप। तो आप किस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस फोन को अनलॉक कर रहे हो, आप ज़रा ये बताइए मुझे। क्या नाम है आपका? करण सर, हम इसको UMTIC सॉफ्टवेयर के द्वारा अनलॉक कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए आप किस तरह से। तो अब आपने ही अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है FRP का, है ना? अब इसको लगाना है आपको। डाटा केबल अटैच किया आपने। तो ये हो गया आपका FRP रिसेट सक्सेस, है ना? अब आप इसको ऑन करके दिखाइए, ऑन कीजिए, आप चेक कीजिए कि आपका जो ये फोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है, आप जरा ये बताइए मुझे कि आप अपना फोन को अनलॉक किया आपने। सर मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि सर हमें जब यहाँ पे आए थे तो हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी, हमें सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही सर अच्छा लग रहा है कि हमने खुद से FRP अनलॉक की है इसकी, खुद से हमने सेट को ठीक किया। थैंक यू। तो आपने देखा कि ये करण हैं, इन्होंने अपने हाथों से पहले इस फ़ोन को हार्डवेयर से ओके किया और आज इसको FRP इसकी ओके की, क्योंकि इसमें पहले लॉक लगा होगा, जब इन्होंने हार्डवेयर से ओके किया तो इन्होंने इसको हार्ड रिसेट कर चुके थे। ये अब ये देखिए, ये हमारा फोन हो गया है ऑन। मैं बोल दिया कि स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये स्टार्ट हो गया, स्किप कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे वेट। अब ये देखिए, जैसे FRP हट जाती है तो आपको कैसे पता चला कि इसकी FRP हट चुकी है या नहीं? क्योंकि सर यहाँ पे नीचे स्किप का ऑप्शन आ जाता है। थैंक यू। तो देखिए, यहाँ पर हमारे फोन की स्क्रीन पर स्किप का ऑप्शन आ गया है, इसलिए कन्फर्म हो गया कि हमारे हैंडसेट की जो है FRP वो रिमूव हो चुकी है। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, स्किप किया आपने, ठीक है ना? कंटिन्यू, ये आपका फोन हो गया है अनलॉक। नेक्स्ट 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 सॉरी स्किप। नॉट नाउ। ये देखिए, तो ये जो था, इनका फोन हो चुका है FRP अनलॉक।
इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट को लाइव प्रैक्टिकल कराया जाता है, लाइव क्लासेस की जाती है। जितने भी हम बोलते हैं स्टूडेंट को कि आप अपने सेट लेकर आइए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना आप लाइव हैंडसेट पे कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो उन चीज़ों को आप खुद ठीक करना, पहले हम आपको क्लासेस कराते हैं, फिर आपके थ्रू आपसे ही कराते हैं कि आप किस तरह से इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस कोर्स में या इससे जैसे कि हमारे मोबाइल के कोर्स में या मोबाइल से अदर जैसे यहाँ पर मल्टीटेक में कोर्स होते हैं, ई-रिक्शा का है, बैटरी का, ई-रिक्शा का है, आपका लैपटॉप का है, प्रिंटर का है, और लैपटॉप डेस्कटॉप का है, तो आप जिस कोर्स में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो या जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, एक बार आके प्लीज़ विजिट कीजिए, चेक कीजिए कि यहाँ पर क्लासेस इसी तरह से होती है जैसा बताया जा रहा है या नहीं। शुक्रिया।